नमस्कार, आपके अपने चैनल देसी खाना देसी व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको दूध निकालने से लेकर घी निकालने तक का पूरा प्रोसेस दिखाएंगे। तो गांव में किस तरह से दूध से घी निकाला जाता है। अभी ये जो मेरी सासू माँ है, ये हारी लगा रही हैं ताकि जो सुबह का दूध हमने निकाला था 5 बजे उसे गर्म रख सके। तो इसे ऐसे हारी लगा के इसे दिन भर गर्म करने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो ये दूध करीबन हम 10-10:30 बजे इसे गर्म करने के लिए रख देते हैं और ये दिन भर गर्म होता रहता है। तो अभी हमने इसमें आग नहीं दी, आरी में आग इसमें तब डालेंगे तब खाना बनाएंगे। और इस साथ में इसकी ईंट भी लगा दी है ताकि ये दूध की जो कढ़ावनी है वो नीचे ना आए। तो अभी शाम का दूध निकाल रहे हैं। तो थन धो मेरी सास ने थन धो लिए थे भैंस के, तो थन धोने के बाद इसका दूध निकाल रहे हैं। तो शाम के अभी 5 बजे हुए हैं। तो भैंस की पूंछ को भी देख सकते हैं, अभी बांध रखा है ताकि इस पर कचड़ा ना डले दूध में। और ये दूध निकाल रही है मेरी सासू माँ, क्योंकि ये भैंस किसी और को दूध नहीं देती है, सिर्फ मेरी सासू माँ को ही दूध देती है। जो ये फ्रेश दूध होता है उसका टेस्ट ही अलग होता है, और जो हम पैकेट वगैरह में खरीदते हैं उस दूध में इतना टेस्ट नहीं होता है। ये दूध पीने में मीठा भी होता है और बहुत हेल्दी भी होता है। अभी हम गाँव में 1 महीने की छुट्टी आए हुए थे, तो वहाँ पे जो मेरे साथ की फ्रेंड थी वो सब पूछती थी कि दीदी वहाँ पे कैसे घी निकालते हैं, या फिर जो घी निकालने के बाद छाछ बच जाता है उसका आप क्या करते हैं, क्योंकि उन लोगों को नहीं पता होता कि मतलब दूध से कैसे घी निकाला जाता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर शहरों में मलाई से ऐसे घी निकाला जाता है। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं बनाऊँ और सभी के साथ शेयर करूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आपको गांव की कौन सी वीडियो देखनी है, किस चीज़ की मतलब जो गांव में बनाई जाती हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो इसी तरह से मैं आपको ऐसे गांव में भी और कभी शहर की वीडियो देती रहूँगी। तो ये दूध हमारा लगभग निकल चुका है, क्योंकि ये जो गांव में गांव का जो खान पान होता है वो बहुत ही अच्छा और टेस्टी होता है। शहरों में तो हम पैकेट वाला दूध खरीदते हैं, तो पैकेट में वो बात नहीं होती जो कि अपना खुद अपने घर पे भैंस का फ्रेश दूध में बात होती है। तो अभी ये दूध निकाल ही लिया है लगभग। यहाँ पे एक भैंस कम से कम 10-12 लीटर तो नॉर्मल दूध देती है। तो ये हमारी भैंस है जो 5 महीने की हो चुकी है ब्याई हुई, तो ये भी लगभग 12 लीटर के करीब दूध देती है। तो ये पूरा दूध निकाल लिया है मेरी सासू माँ ने। ये देखिए फट्टी पे बैठ के निकालती है मेरी सास दूध, क्योंकि इनसे ज़्यादा बैठा नहीं जाता है। और जो हमने ये सुबह का दूध गर्म करने के लिए रखा था उसे हम इस कढ़ावनी में जमा देंगे। पहले मिट्टी की कढ़ावनी में जमाते थे, लेकिन अभी मिट्टी की कढ़ावनी में नहीं जमाते हैं, बिलौनी में। अभी हम इसमें सिल्वर की बिलौनी ले रखी है, इसे हमारे यहाँ पे बिलौनी बोला जाता है। तो जो इसके साइडों में मलाई लगी होगी कढ़ावनी में, इसे भी हम ऐसे गिलास में थोड़ा पानी डालकर इसमें डाल देंगे। हमारे यहाँ पे दूध गर्म करने वाली को कढ़ावनी बोला जाता है, और जिसमें हम जमा रहे हैं उसे बिलौनी बोला जाता है। और जब भी हमने दूध निकाला था उसका ऊपर ऊपर का कुछ दूध जो ज़्यादा है वो हम इसमें कच्चा ही डाल देंगे, और ये बाकी का दूध पीने के लिए रख लेंगे। ये हमारी छलनी भी आज उस पर चूल्हे पे जल गई थी थोड़ी, कभी कभी मार्केट में चक्कर लगेगा तब नई छलनी लेके आएंगे। तो अभी हमने इसमें जाव रख दिया है ताकि दूध ठंडा रहे थोड़ा, अभी गर्म था तो ठंडा होने के बाद उसमें हम जामुन देंगे। और ये जो दूध था वो हमने जमाने के लिए पीने के लिए गर्म कर दिया है। और अभी सुबह के 5 बजे हुए हैं, तो 5 बजे हम दूध बिलौने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये मेरी सासू माँ ने थोड़ी दही रख ली है खाने के लिए, जिनको दही खानी है। और अभी जो ठंडा पानी है ये डेगची रात में ही फ्रिज में भर कर रख दी थी, तो फिर इसमें डाल दी है अभी, और इसमें अब रही लगा देंगे। तो इसमें ठंडे पानी का ही यूज करते हैं। तो इसे रई लगाने के बाद इसे कम से कम 20 मिनट तक हम ऐसे ही बिलोएंगे, तब तक और भी कुछ काम कर लेंगे जो घर में है, दूध अपना बिलता रहेगा। तो इसे थोड़ा सा ये हिल रही है, इसे हम किसी कपड़े से या फिर ऐसे बांध देंगे। तो इसी तरह से गाँव में दूध बिलोया जाता है सुबह जल्दी। तो देखिए, अगर आप ऐसे पकड़ कर भी कर सकते हैं,
अभी सुबह होने के बाद मैंने वीडियो स्टार्ट की है, क्योंकि अंधेरे में थोड़ा अच्छी वीडियो नहीं बन रही थी। तो अभी हमारा दूध बिल चुका था, दूध तो हमारा पहले ही बिल चुका था, लेकिन अभी हमने वीडियो शुरू की है। घी हमने थोड़ा सा सुबह होने के बाद निकालना स्टार्ट किया है। तो ये देखिए, इसको ऐसे गर्म पानी लिया हुआ है मग में, और जो पतीले में है वो ठंडा पानी लिया हुआ है। गर्म पानी से हाथ धुलने से फिर ये घी हाथ पे लगता नहीं है। तो ऐसे हाथ में थोड़ा थोड़ा गर्म पानी भिगोकर, हाथ को गर्म पानी में भिगोकर फिर इस घी को निकाला जाता है, ताकि घी हाथ पर चिपके नहीं। और फिर पूरी रई को घी से इसे पोंछ कर हाथों से इस घी को निकाल लेंगे। तो रई को साफ़ कर दिया है, अभी जो इसका घी है चारों तरफ से पोंछ कर इसे हिला लेंगे पकड़कर, ताकि सारा घी इकट्ठा हो जाए। और फिर अब इसे हम ठंडे पानी में निकाल लेंगे। अब ये ठंडे पानी में निकालने से इसकी जो छाछ है वो निकल जाएगी, फिर ये घी खट्टा नहीं होगा। ये जो छाछ होती है ये बहुत टेस्टी होती है, आप इसमें कढ़ी, रायता कुछ भी बना सकते हैं, तो इसमें बहुत ही टेस्टी बनता है। ऐसे ही रहेगा, मतलब आप तो ये देखिए, इसे ऐसे ठंडे पानी में भी कर फिर इसे डेगची में डालेंगे। तो यहाँ पे 3-4 दिन का घी हम इकट्ठा करके फिर इसे गर्म करते हैं। तो ये देखिए, पूरा घी इसमें से निकाल लिया है, और जो भी ये छाछ बची है इसे जितना यूज होगा यूज ले लेंगे, या फिर कोई लेने वाले आते हैं गांव में तो उन्हें दे देते हैं, जिनके भैंस नहीं होती, और फिर बाकी बची को भैंस को पिला देते हैं। तब ये घी को ऐसे उछालते हुए निकाल लेंगे, ताकि इसके अंदर से जो छाछ है, पानी है, वो सब निकल जाए, और इस डेगची में डाल लेंगे। तो ये डेगची हमारी करीबन 3-4 दिन में भर जाती है। तो इसमें 2.5 लीटर के करीब, 2-2.5 लीटर घी आता है। तभी इसको ऐसे निकाल कर इसमें रख देंगे, और जो ये पानी है इसे भी हम भैंस के लिए पॉकेट में डाल देंगे। तो नीचे थोड़ा घी गिर गया था, उसे उठा रही हैं। तो ये देखिए, हमारा मक्खन बनकर तैयार हो गया है। ये मक्खन हम 3-4 दिन में जब गर्म करते हैं तो इस तरह ड्रामों में भर कर रख लेते हैं, जितना बिक्री होता बेच भी देते हैं, और फिर जैसे भैंस दूध नहीं देती है तो तब ये काम आ जाता है खाने में। तो ऐसे ड्राम भर भर के रख लिए जाते हैं गांव में, ताकि तब भैंस दूध ना दे तो ख़रीदना ना पड़े, अपना घर का घी ही यूज कर ले।